ऋषभ भाई, क्या मुद्दा है आज आप मनपा कमिश्नर से मिले? ऐसा है अरुण भाई कि आप जानते हैं मैं स्थानीय पत्रकार हूं और साथ ही साथ में राष्ट्रीय मजदूर पार्टी का पालगढ़ कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भी हूं। अभी पिछले कुछ दिनों से वसईबिरान महानगर पालिका प्रभाग समिति नवगर माणिकपुर एच के प्रभारी सहायक आयुक्त गिलसन गोंसालिस को लेकर मैंने कई स्टोरी की है, आपको सभी वो बराबर मालूम है। गिलसन गोंसालिस जो है उनको लेकर कई मामले उठे हैं, मनसे का भी मामला उठा, वो अपनी जगह था, लेकिन यहाँ बात आ रही है कि ये ऐसा भी मुद्दा उठा है, अभी ऐसा खुला है कि गिलसन गोंसालिस का अपना खुद का बंगला सांडोर गांव में सर्वे नंबर 99 हिस्सा नंबर A13 पर अपना जो बंगला है वो बंगला इल्लीगल बांधा गया, उसकी कोई परमिशन नहीं है। तो अब सवाल ये है कि जो अधिकारी गिलसन गोंसालिस खुद प्रभारी सहायक आयुक्त है, यानी कि उनका जिम्मेदारी क्या है कि रोज सुबह वो घर से उठ के आएंगे और सबसे पहले यही काम है कि प्रभाग में क्या क्या इल्लीगल बांध काम हुआ उसको तोड़ना। तो जो अधिकारी सबके घर तोड़ता है उसका अधिकारी का खुद का घर अपना इल्लीगल है, उस पर तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बात, तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपनी जगह है। साथ ही साथ ये काम आम आदमी ने नहीं किया, एक शासकीय अधिकारी ने किया, नहीं उसने अपने पद का गैरवापर किया है, इसके लिए उसको पदमुक्त किया जाना चाहिए। तो वसईबिरान महानगर पालिका उसको पदमुक्त नहीं कर रही है और यहाँ से वहां ढकेला जा रहा है। इनका बीच में जो मामला हुआ था और मामला होने पर इनको प्रभाग एच नवगर माणिकपुर से हटाया गया था, बाद में फिर वहां लिया गया, वो दिखावे का था। उसके बाद में लगातार फॉलो अप करने से इन्होंने अभी दो दिन पहले गिलसन गोंसालविस को हटाकर नगर रचना विभाग में पोस्टिंग दी, जहां पर जनमाइति अधिकारी और स्वीय सहायक यानी पीए है वो उप नगर रचना विभाग के जो आला अधिकारी उनके। अब बात यह है कि नगर रचना विभाग के जो कमांडर है खुद उनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है और 2 साल से ज्यादा समय वो निलंबित रह चुके हैं। एंटी करप्शन ने खुद रेड किया था, उस रेड में वो रेड 100 पकड़े गए थे। तो ऐसे अधिकारी के अधीन में, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के जिनके महानगर पालिका वाली प्रभाग समिति में रहते, तो वाली अंतर्गत सातीवली में 2 CC के आधार पर 32 बिल्डिंग बांधा गया था, उस समय वहां पे उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की थी और ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उस समय काफी नजराना लिया था और उसी नजराने की बलबूते अपना 2-3 करोड़ का उन्होंने बंगला बांधा। तो उस अधिकारी को यहाँ पीए करके बिठा दिया। आज आपने जो पत्र दिया है उस पर कमिश्नर का क्या कहना है? मेरा पत्र में यह मांगता है कि इनको बदली किया वो गलत है, इनको यहाँ से पदमुक्त किया जाए और इनके ऊपर दोहरी कार्यवाही की जाए, एक कार्यवाही MRTP के तहत जो होती है वो, और दूसरी कार्यवाही इनको शिष्ट भंग जो इन्होंने पद का गैरवापर किया उसकी। तो आयुक्त ने नोटिंग किया, मेरे इस पत्र का नोटिंग करके उस पर लिखा है चौकसी के लिए और संबंधित विभाग के जो आला अधिकारी है उनको वो फॉरवर्ड किया है। और आपको साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा, मैंने पहले ही ऐलान किया था अपने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि मैं इस मामले में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाने वाला हूं। तो उस सिग्नेचर कैंपेन की मैं आज शुरुआत कर रहा हूं, गिलसन हटाओ महानगर पालिका बचाओ, ऐसा स्लोगन है। और इसमें जिस किसी को शामिल होना हो वो मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपना सिग्नेचर दे सकता है, मुझे समर्थन दे सकता है, ये मेरा ख्याल है। अगर आपकी जो मांगे हैं वो आने वाले समय में नहीं मांगी जाती हैं तो फिर आगे आपका क्या रहे? वो फिर साथ तो हंसित हो जाएगा कि महानगर पालिका पूरी की पूरी प्रशासनिक भ्रष्ट है। तो देखेंगे, मैंने ये जो पत्र है सिर्फ महानगर पालिका आयुक्त को नहीं दिया है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जो ही UD मिनिस्टर भी है तो उनको दिया है, उनको फॉरवर्ड किया है, बाद में और भी डिपार्टमेंट है उनको सबको फॉरवर्ड किया है। तो कहीं ना कहीं वहां से भी कुछ आएगा, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री महोदय के वहां जाकर वहां पे दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786